बिहार शिक्षा लोक सेवा आयोग और बेसिक शिक्षा विभाग की लड़ाई में बीएड अभ्यर्थियों को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि इस जल्दबाजी में बीपीएससी अध्यक्ष ने बीएड को बाहर करने का फैसला ले लिया है और शिक्षा विभाग की क्या पोल है इसके अनुसार खुल गई है। हालांकि डीएलएड अभ्यर्थियों को इसका काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन सीटेट अपियरिंग, डीएलएड अपियरिंग, बीएड अपियरिंग को भी हो सकता है बड़ा नुकसान, क्योंकि अब जो पूरी प्रक्रिया है वो एक सप्ताह के अंदर खत्म होने जा रही है। तो बीएड अभ्यर्थियों के साथ अपियरिंग का नुकसान ना हो, इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हम इसमें आपको कुछ खास जानकारी देंगे। तो पहले वीडियो को लाइक और बिहार शिक्षा लोक सेवा आयोग की हर एक भर्ती अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। शिक्षा विभाग और बीपीएससी में तकरार छिड़ चुकी है और इस तकरार का कारण केवल ये है कि शिक्षा विभाग ने हो रहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रोकने के लिए एक पत्र जारी किया और उस पत्र का जवाब बीपीएससी अध्यक्ष ने ऐसा दिया कि बेसिक शिक्षा विभाग में खलबली मच गई। जी हाँ, और साथ में बीपीएससी के सचिव ने विभाग के इस पत्र पर आश्चर्य भी जताया और बीपीएससी चेयरमैन ने सर्टिफिकेट जांच पर शिक्षा विभाग के लिए सवाल खड़े कर दिए। साथ में बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को नियम और कानून के बारे में अच्छे से चेतावनी भी दी। बीपीएससी चेयरमैन ने एक सीधी बात यह भी बताई कि रिजल्ट के पहले सर्टिफिकेट की जांच आखिर हम क्यों करा रहे हैं। रिजल्ट जारी हो करने के बाद सर्टिफिकेट जांच होने और गलत पाए जाने की स्थिति में सीटें खाली रह जाती हैं, जिससे आप सीटें खाली रहने से जो कम मेरिट वाले अभ्यर्थी होते हैं उनका ज़्यादा नुकसान होता है। बात बिल्कुल यहाँ पर सही है। सीट खाली रहने से आशय ये है कि बहुत सारे अभ्यर्थी परीक्षा तो पास कर लेते हैं लेकिन उनके पास आवश्यक सर्टिफिकेट नहीं होते हैं, जैसे कि सीटेट अपियरिंग, बीएड अपियरिंग, ठीक है, जिनके पास परिणाम तक नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है और उसमें उन्होंने परीक्षा में अच्छे अंक भी हासिल किए हैं लेकिन उनका सीटेट का रिजल्ट नहीं आया है, उनका बीएड फाइनल का रिजल्ट नहीं आया है, तो इसी कारण से ये सब जांच प्रक्रियाएं चल रही हैं जिससे उनको अब यहां पर रोका जाएगा। और इसी को लेकर बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर करारा जवाब दिया कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को नहीं रोकेंगे। हालांकि अब शिक्षा विभाग और बीपीएससी में करारी तकरार भी छिड़ चुकी है। बीपीएससी चेयरमैन ने कल एक कला ट्वीट भी किया और बताया कि ऐसे तत्व जो टीआरई डीवी शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रमाण पत्र सत्यापन रद्द करवाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें और ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। स्पष्ट किया कि सत्यापन जारी रहेगा, हम बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। ये करारा जवाब बेसिक शिक्षा को दिया गया। बीपीएससी चेयरमैन ने बेसिक शिक्षा के सचिव को संविधान पढ़ने के लिए कहा और इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से दूर रहने के लिए कहा, लेकिन दोस्तों इसका जो नुकसान है वो अभ्यर्थी भुगतेंगे। इन दोनों की लड़ाई में प्रक्रिया को और तेज किया जा रहा है। जी हाँ, और इस कारण से सीटेट अपियरिंग, बीएड अपियरिंग, डीएलएड अपियरिंग वालों को तो नुकसान होगा ही, साथ में जितने बीएड अभ्यर्थी हैं वो बाहर भी हो सकते हैं, पूरी तरह से उनको किया जाएगा। और अतुल प्रसाद जी का बयान भी आया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने वाले हैं। जी हाँ, उन्होंने पूरी पोल तो शिक्षा विभाग की खोली है लेकिन उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने वाले हैं और राज्य सरकार की तरफ से यह कड़ा रुख हमारे लिए अपनाया गया है जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि बीएड वाले कक्षा 5 तक के शिक्षक बनेंगे या नहीं बनेंगे इसके लिए एक सप्ताह में आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों उन्होंने कहा है कि हम एक सप्ताह के अंदर जो परिणाम है, ये देखिए एक सप्ताह के अंदर जो परिणाम है वो हम जारी करने जा रहे हैं।
अतुल प्रसाद ने बताया कि आयोग और शिक्षा के अधिकारियों के बीच बैठक में अंतिम निर्णय ये ले लिया गया है और 1 से 5 तक के शिक्षक पद के बीएड योग्यता वालों को नहीं रखने और इसके लिए सिर्फ डीएलएड को या उसके समकक्ष को योग्य बता दिया गया है और उनको रखने का निर्णय ले लिया गया है। अब दोस्तों आपने यहाँ पर समझ लिया होगा कि वाकई में इन दोनों की लड़ाई में बीएड अभ्यर्थियों का अब नुकसान होने वाला है, क्योंकि अब बीपीएससी किसी का इंतजार नहीं करने वाला है। बीएड अब पूरी तरह से बाहर हो चुका है, लेकिन डीएलएड को इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा क्योंकि अब जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम जाने वाली है और लगभग अधिकतम डीएलएड अभ्यर्थी यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। और लेकिन क्योंकि इससे सीटेड अपेयरिंग वाले भी बाहर होंगे जो बाहरी राज्य के हैं, बीएड के कुछ बाहरी राज्य के छात्र हैं जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है वो भी बाहर होंगे। अगर 1 हफ्ते में परिणाम आकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाता है तो ये सभी बाहर हो जाएंगे। तो ये दोस्तों आज की कुछ अपडेट थी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।